स्टैंडिंग कमेटी को लेकर क्यों आम आदमी पार्टी और बीजेपी हैं आमने सामने, क्यों स्टैंडिंग कमेटी किसी भी पार्टी के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। दिल्ली को उसका नया मेयर मिल तो गया, लेकिन बस 38 दिनों के लिए। दिल्ली में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच इतना बवाल क्यों मच रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को रिजल्ट्स आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को 104, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटों पर जीत मिली थी। फिर एमसीडी चुनाव के 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर मेयर का चुनाव हुआ है, जिसमें शेली ओब्रॉय को जीत मिली है। हालांकि शेली ओब्रॉय सिर्फ 38 दिनों के लिए ही मेयर पद पर रहकर काम करेंगी। शेली ओब्रॉय एमसीडी में 31 मार्च तक ही मेयर रहेंगी और उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से एक नए मेयर का चुनाव होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों शेली ओब्रॉय को 38 दिनों का ही कार्यकाल मिलेगा। तो होता यूं है कि एमसीडी के 5 साल के कार्यकाल में मेयर का चुनाव हर एक साल पर होता है। एमसीडी एक्ट के तहत पहले साल महिला पार्षद को मेयर चुने जाने का प्रावधान है। दूसरे साल मेयर का पद सामान्य होता है, यानी कि कोई भी पार्षद मेयर चुना जा सकता है। तीसरे साल मेयर पद पर दलित समुदाय के लिए रिजर्व होता है। ऐसे में दलित समाज से आने वाला कोई भी पार्षद मेयर चुना जा सकता है, लेकिन चौथे और पांचवें साल मेयर का पद अनारक्षित होता है। एमसीडी एक्ट के अनुसार दिल्ली नगर निगम का साल अप्रैल महीने से पहले दिन से शुरू हो जाता है। इस तरह अगले साल 31 मार्च को साल समाप्त हो जाता है। इस लिहाज से 22 फरवरी को शेली ओब्रॉय मेयर चुनी गई हैं, जिनका कार्यकाल 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इस तरह से वो सिर्फ 38 दिनों तक ही मेयर पद पर रहकर काम कर पाएंगी। इसके बाद दोबारा से 1 अप्रैल को मेयर का चुनाव होगा। अब वापस आते हैं स्टैंडिंग कमेटी पर, जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल मच रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस कमेटी का काम क्या होता है। तो स्टैंडिंग कमेटी निगम की सबसे ताकतवर कमेटी होती है। इसके पास कई इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हर हफ्ते होती है। लगभग सभी इम्पोर्टेंट मामले इस कमेटी के पास से होकर ही मेयर की अध्यक्षता वाले सदन में जाते हैं। अब थोड़ा स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 का चुनाव तो निगम के पार्षद सदन की पहली बैठक में वोटिंग के माध्यम से ही करते हैं। ये वोटिंग भी सीक्रेट होती है और इनका चुनाव राज्यसभा सदस्यों की तरह ही वरीयता के आधार पर होता है। दरअसल पार्षदों को अपने उम्मीदवारों को बैलेट पेपर पर वरीयता के हिसाब से 1, 2, 3 नंबर देने होते हैं। अगर पहली वरीयता के आधार पर चुनाव नहीं हो पाता है तो दूसरे और तीसरे वरीयता की वोट की काउंटिंग की जाती है और फिर उस आधार पर जो है वो रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में उलझ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही चुनाव में उनके कुछ पार्षदों ने भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग की है। अगर ऐसा ही रहा तो आप जो 6 में से 4 सीटें जीत रही थी वो उससे कम सीटें जीतेंगी और बहुमत का सारा गणित जो है वो बिगड़ जाएगा। अब आपको थोड़ा ये गणित भी समझा देते हैं। तो आम आदमी पार्टी अगर 6 में से 3 सीट भी जीत लेती है तो उसके 7 सदस्य अगर अलग अलग जोन से चुनकर आते हैं तो भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी में 10 सीटों के साथ बहुमत हो जाएगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए मेयर और डिप्टी मेयर पद हासिल करने के बाद भी अपना प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी से पास करवाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सदन के पटल पर भी नहीं मान्य होगा और फिर मेयर बनवाने का भी कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा और दिल्ली सरकार की ही तरह निगम में भी टकराव की स्थिति बढ़ती जाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी चाह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी उसका वर्चस्व रहे, ताकि जो भी प्रस्ताव लाया जाए उसे पास होने में कुछ खास दिक्कतें ना हो। लेकिन बीजेपी भी इस पोजीशन की इम्पोर्टेंस समझ रही है, इसलिए वो भी पीछे नहीं होना चाहती है। अब देखना ये होगा कि इस आम आदमी पार्टी और बीजेपी की खींचतान में जीत किसकी होती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।